जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज सुकृति फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार का भी मकसद है कि लड़कियां महिलाएं आत्मनिर्भर बने। उसी आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम में एक कदम सुकन्या एनजीओ की तरफ से खलासी मोहल्ला वार्ड संख्या 5 की लड़कियों को एक छोटा सा उपहार दिया गया, ताकि लड़कियां आत्मस्वावलंबन बन सके। दैनिक लाइफ 24 के लिए राजीव शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे सुकन्या समृद्धि फाउंडेशन के अध्यक्ष जेके चौहान जी। मैं उन्हीं से जानूंगा कि लड़कियों को विकास के, लड़कियों के उत्थान के लिए इनकी संस्था क्या क्या कर रही है। हमारी संस्था बाल विवाह और दहेज प्रथा को मुक्त करने के लिए आई। आप लोग से यही मेरा उम्मीद है, आग्रह है कि बाल विवाह को हम लोग जुड़ के और समाप्त करें, दहेज प्रथा को समाप्त करें। और इस उपलक्ष्य में हम लोग सिलाई मशीन, ट्रंक पेटी, विदाई सामग्री बहुत सारा उपहार स्वरूप दे रहे हैं, ताकि देश से दहेज प्रथा खत्म हो, बाल विवाह खत्म हो। हमारे साथ दो बच्चियां जुड़ रही हैं, जोशी बाट की। कैसा लग रहा बाबू आपको? अगर हमारे समाज की बच्चियां समृद्ध होंगी, विकसित होंगी, तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य भी विकसित होगा। फिर से दैनिक लाइफ 24 के लिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, राजीव शर्मा के साथ।